वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट टू लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट वन करा चुका है, जिसमें 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया है। 6 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको करवाया है, जिसमें हर क्वेश्चंस के 3 एग्जांपल्स को कराया है। यानी 18 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लास में और 18 क्वेश्चंस और 6 टाइप्स करवा दिया है आप लोगों को। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसके पहले भी 4 से 5 चैप्टर्स करवा दिया है। नेवी एमआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आप 10 से 12 सेकेंड में कोई क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर ले। तो यह देखिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छे से कम 20 मिनट दीजिए मुझे। यदि आपको समझ में ना आए तो मत देखिए उसके बाद। 20 मिनट देखने से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो आज हम टाइप 7 पढ़ेंगे, टाइप 6 तक मैंने कम्प्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई धन है T1 समय में, मतलब T1 समय में A1, T2 समय में A2 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इसमें आपसे वार्षिक दर पूछा है। देखिए, A2 हो जाती है तो A2 डिवाइडेड बाई A1 कर दीजिए आप फर्स्ट में। पावर करना है समय का अंतर, दोनों के समय का अंतर T2 माइनस T1 माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट इंटू 100। आपसे दर पूछा है, T1 समय में A1 हो जाती है, T2 समय में A2 हो जाती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि A2 डिवाइड बाई A1 करना है। A2 डिवाइडेड बाई A1 कीजिए, पावर में दोनों के समय का 1 डिवाइडेड बाई समय का जो अंतर है T2 माइनस T1 कर दीजिए यहाँ पर ही, माइनस 1 ब्रैकेट बंद कीजिए, यहाँ 100 दे दीजिए। देखिए, इतना ईजी फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हेजी है बट समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई धन जो है 6 वर्षों में 1000 रुपये, 9 वर्षों में 1331 हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। तो मैंने क्या बताया, जितनी हो जाती है 1331 डिवाइडेड बाई क्या करना है 1000। आपको करना क्या है, समय का अंतर पहले 1 लिखिए डिवाइडेड बाई समय कितना है 9, 9 में से 3 घटाइए, 9 में से 6 घटाइएगा 3 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या यहाँ गेम होगा। 1331 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, ऊपर में 9 माइनस 6 तो 1/3, तो यहाँ क्यूब रूट निकालना होगा। तो 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 का। 1000 किसका है, 10 का। माइनस कितना है, 1 करना है। तो देखिए 1/10 इंटू 100 यानी 10% आपका आंसर आ गया। बोलिए इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता मैथ्स में। चलिए आगे एक और एग्जांपल से आपको और एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। उस एग्जांपल से नहीं समझेंगे तो इस एग्जांपल से ज़रूर समझ जाइएगा। 5 वर्षों में कोई धन है 6625 होता है, 7 वर्षों में 784 होता है। तो आपसे दर पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। 784 जितना हो जाता है डिवाइडेड बाई 625 था पहले, समय का डिफरेंस क्या है 1 ऊपर कीजिए बाई में, समय का डिफरेंस क्या है 7 में से 5 जाएगा तो 2 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना होगा। 784 किसका स्क्वायर है 28 का, 625 है 25 का, माइनस 1 है इंटू 100 आप कर दीजिए यहाँ पर ही। तो देखिए यहाँ से करने के बाद आप इसके बाद तो आंसर निकाल ही सकते हैं, 3/25 × 100 हो जाएगा, 3/25 × 100 तो 12% आपका आंसर है। देखिए कितने फास्ट तरीके से मैंने आपको करा दिया, इससे अच्छा कोई आपको नहीं करा सकता। अब टाइप 8 देखिए, टाइप 8 किस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए किसी धन पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज M हो तो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, M प्लस M इंटू R डिवाइडेड बाई 200। याद रखिएगा, किसी धन पर 2 वर्षों में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण वर्ष ब्याज M हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला M प्लस M इंटू R बाई 100। M यहाँ पर ही क्या है, साधारण ब्याज है। देखिए जब समय यहाँ पर 3 वर्ष कर दिया जाए, जब समय 3 वर्ष हो तो सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30,000 प्लस m इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस m। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा, यदि ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो ट्रिक याद करना होगा। देखिए अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। किसी धन पर, कोई धन है 2 वर्षों में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये
हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? साधारण ब्याज 200 है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ निकला है साधारण ब्याज यानी m प्लस m इंटू 5 डिवाइडेड बाई 200, तो 205 हो गया आप लोगों का। इतना आसान है तो आप लोग कर ही सकते हैं। बेसिकली किया क्या है, देखिए 200 तो नॉर्मल है, ये आपका साधारण ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 200 पे, तो 200 इंटू रेट कितना था 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 200 कर दिया गया है, तो यहाँ से देखिए 5 निकलेगा, तो 205 आपका हो गया। बस इतना आसान है, फॉर्मूला मैंने जो बताया उस फॉर्मूले के ऊपर ही है। एक बार और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपये हो तो उसी मूलधन पर इतने ही दर से समय की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? आपको साधारण ब्याज बोला है तो 400 कर दीजिए, दर बोला है 10% तो 400 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 200, ये फार्मूला है। बस फार्मूला आपको मैंने जो बताया इस फार्मूले को सॉल्व कीजिए, 420 आपका आंसर आ गया। तो देखिए मैंने जो फॉर्मूले बताए उस फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, बट इसमें देखिए क्या बोला है, 3 वर्षों के साधारण राशि पर, यहाँ देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 है, उसी राशि पर उतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? अब आपसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो इसमें तो आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको साधारण ब्याज दिया गया हुआ है। चलिए इसके बाद आपको इसका दिखाते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। इसके फॉर्मूला को भी मैंने ऊपर बताया था 3 वर्ष के लिए किया, कैसे फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिए तो इसमें सॉल्यूशन कैसे कराया गया है, जैसे मैंने बताया था m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30,000 प्लस 1200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1200। इसके बाद ये देखिए फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में पुट करना है, यदि फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका सवाल बन गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए 3 वर्ष के लिए, यदि किसी राशि 3 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 750 है तो उसी राशि पर इतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज सेम में पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एम इंटू आर स्क्वायर, एम है 750, आर स्क्वायर है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30,000 प्लस क्या करना है 750 इंटू 20 करना है डिवाइडेड बाई 100 प्लस क्या करना है 750। तो इसके बाद आपका सॉल्यूशन, तो आपको करना सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप टाइप 9 में चलते हैं, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों में एम तथा टू टी वर्षों में एन हो जाए तो मूलधन निकालना है। टी वर्षों में एम तथा टू टी वर्षों में एन हो जाए तो मूलधन होगा एम स्क्वायर बाई एन, एम स्क्वायर जो पहले वाला है डिवाइडेड बाई एन। देखिए काफ़ी आसान हो गया ये आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला। यदि कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 हो जाती है तो वह राशि क्या है? तो बेसिकली वह राशि आपको निकालना है, ऐसा कौन सा राशि है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, 4 वर्षों में 600 और 8 वर्षों में 900 हो जाती है तो आपको मैंने क्या बोला, 600 × 600 डिवाइडेड बाई 900 कीजिए तो वह राशि कितनी होगी, वह राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। कितनी? 400 रुपये। इसको कोई ट्रिक से ना करके कैसे भी किया जा सकता था। देखिए एक और इसका सटीक तरीका हो सकता है, देखिए 4 वर्षों में 600 है, ठीक है, नेक्स्ट का 8 वर्षों में 900 हो जाता है, मतलब देखिए दोगुने होने में 300 का यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है, 300 रुपये ज़्यादा हो रही है। देखिए 600 से 900 जाने में यहाँ पर क्या किया गया होगा, 600 से 900 जाने के लिए बेसिकली यहाँ पर ही आई होप 3/2 करने से जाएगा, हाँ 3/2 करिए तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2 कीजिए तो यहाँ से 2 से 300 बार में यानी 3 से 3, हाँ तो देखिए 600 × 2/3 कीजिएगा तो 900 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे मूलधन पूछा है, P इंटू 2/3 कीजिए इक्वल टू
900 कर दीजिए। 2/3 कर दीजिए, तो यहाँ 9 × 3 = 27, 3/2 करना होगा, सॉरी 3/2 करना होगा, तो 3 × 300 में और 2 × 150। आई थिंक ये कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको इसका बाद में ट्रिक बताता हूँ, बट ये ट्रिक कीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि m इंटू m डिवाइडेड बाई n, m मतलब 600 × 600 / 900, ये ट्रिक ज़्यादा कामगार है, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, यही कीजिए आप लोग। हाँ तो देखिए वो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता ही देता हूँ, अब याद आ गया मुझे। देखिए 600 से 900 जाने में क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो 600 से 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो राशि क्या है, अब यहाँ पर ये राशि कौन सी राशि है, यहाँ पर ये राशि है 600 कैसी आई है, तो पी इंटू कितना करना होगा, 3/2 इक्वल टू कितना होगा, 600 होगा, तो ये कितने से जाएगा 212 में, और 200 × 2 कीजिएगा तो 400। ये इसका मतलब बेसिक मेथड है, और जो मैंने मेथड बताया वो ट्रिक मेथड था पहले, तो ट्रिक ज़्यादा आसान है, क्यों बेसिक में पढ़ने जाए यदि ट्रिक से बन जाएगा तो। देखिए कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500, 10 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, कुछ नहीं करना, 1500 × 1500 कर दीजिए, 1500 × 1500 / 2000, तो बोलिए इससे आसान कुछ हो सकता है, 1125 आपका आंसर आ गया। कोई कुछ इस्तेमाल मत कीजिए, डायरेक्ट ट्रिक यूज कीजिए। एक और देख लीजिए, अब ये न्यू ट्रिक है, किसी निश्चित दर से 2 वर्षों पे किसी साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज n हो, तो 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज m तथा चक्रवृद्धि ब्याज m हो, तो दर कैसे निकालेंगे, दर याद रखिए, दर निकालने का फॉर्मूला है 2n − m × 100/m, नीचे क्या आ रहा है, m क्या है, m इक्वल टू साधारण ब्याज, बस अब आपको देखना है। और यहाँ से यदि मूलधन निकालना हो तो मूलधन होता है m² 4n − m, ठीक है। बस आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 होती है, तो वार्षिक दर क्या है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 हो जाती है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको दर निकालना है, तो मैंने क्या बताया, ऊपर 2 लिखिए इंटू दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 630 − 600 तो 30 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 600 कर दीजिए, तो आपका 8% यहाँ पर ही निकल जाएगा। और ये काफ़ी कारीगर फॉर्मूला है, 2 वर्षों में दोनों दे दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, कुछ नहीं करना, ऊपर 2 लिखिए इंटू कीजिए, 2 क्या है, 2 यहाँ पर समय के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों का अंतर क्या है, अंतर आपका 30 है, नीचे क्या आएगा, साधारण ब्याज 600 और ऊपर 100 कर दीजिए, बस इतना आसान है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। सेम यदि मूलधन निकालना हो तो 600 × 600 जो साधारण ब्याज दिया है, 4 करना है नीचे, 4 × 630 − 600, बस आपका मूलधन भी यहाँ निकल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 ऊपर लिखिए, n − m कीजिए, 600 − 900 = 300, डिवाइडेड बाई आपको क्या लिखना है, नीचे साधारण ब्याज लिखना है 600, ऊपर में 100 करना है, तो 100 कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ से काट दीजिए डायरेक्ट, 6 से कितना जाएगा 50 और 50 से 2, 100% आंसर आपका आ चुका है। तो देखिए बस इतना आसान है, आप भी कर सकते हैं, देखिए 100% यहाँ इसका आंसर दिखाई दे रहा है। अब आपसे देखिए 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 66 हो जाती है, तो इसमें मूलधन आपसे पूछा है, तो मैंने क्या बताया, मूलधन के लिए एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज को ऊपर में इंटू कर दीजिए, 60 × 60 / 4 × 60 − 60, 66 − 60 दोनों का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई 4 × दोनों का डिफरेंस कीजिए, 150 आपका मूलधन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। टाइप 11 क्या है, यदि कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज एन एक्स गुना होने में लगा समय टी इंटू एक्स होगा,
यदि कोई धन टी वर्षों में एन गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज टी इंटू एक्स वर्ष में एन एक्स गुना हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप इसके क्वेश्चंस को देखिए, कोई धन तीन वर्षों में चार गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितने वर्षों में 64 गुना होगी। चार गुना चार गुना चार गुना ऐसे कीजिए तो 64 के लिए आपको कितना बार गुना करना होगा, 16 बार गुना करना होगा। बट इससे अच्छा क्या है, 4q डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, 4 के ऊपर q इक्वल टू 64 कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ही 4 का यहाँ पर ही कितना पावर आ जाएगा, यहाँ पर ही 4 का पावर कितना आएगा, 4 का पावर 3, ये देखिए 64 को 4 का पावर 3 लिख सकते हैं और 3 वर्षों में दिया गया है तो ये 3 है तो 3 × 3 आपको करना है, 9 वर्ष आ गया। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए, 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 64 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 64 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 4 गुना, देखिए पहले की 3 वर्षों में 4 गुना, फिर दूसरे के 3 वर्षों में 4 गुना, यानी 4 से 4 16 गुना हो गई, फिर 3 वर्ष लगेंगे तो 64 गुना हो गई, टोटल कितने साल लगे, 3 साल 3 6 साल 3 9 साल। देखिए ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो ट्रिक से अच्छा मैंने ये बता दिया, 64 गुना हो जाती है, पहले 3 वर्षों में 4 गुना, फिर नेक्स्ट के 3 वर्षों में 4 गुना, फिर 4 गुना, देखिए 4 4 4 4 × 4 16 16 × 64 4 × 4 16 16 × 4 64, 3 + 3 + 3 9 साल आपके लगेंगे। बस इस तरीके से कीजिए, देखिए एक और क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, यदि कोई धन 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। पहले 6 वर्ष में 2 गुना, फिर फर्स्ट के 6 वर्ष में 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, फिर 2 = 16, फिर 2 = 8, 16 फिर 2 की जगह तो 32 गुना हो जाएंगे, तो टोटल कितना वर्ष लगा, 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, 6 × 5 = 30, 30 साल लगेगा। देखिए कुछ नहीं करना आपको, पहले 6 वर्ष में 2 गुना होती है, नेक्स्ट के 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, 5 6 बार 6 लिख दीजिए, 2 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 8 गुना हो गई, 8 × 2 = 16 गुना हो गई, 32 गुना हो गई, 6.5 को ऐड कर दीजिए, 30 आंसर आ गया। देखिए ये ट्रिक है। एक और एग्जांपल्स की तरफ से आप देख सकते हैं, कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्ष में कितना होगा। पहले के 7 वर्ष में 3 गुना, फिर 7 वर्ष में 3 गुना, फिर 7 वर्ष में 3 गुना, 3 × 3, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, इंटू कर देना है, बस कितना आसान है। देखिए नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, सवाल भी कराने में मस्ती आ रहा, 900 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 24 वर्षों में कितनी होगी। 3 गुनी हो जाती है 9 वर्ष जो राशि है तो 24 वर्षों में कितनी गुनी होगी। पहले 6 फिर 6 फिर 6, 3 गुनी होती है, 3 × 3 = 6, तो इसमें कितना आएगा, देखिए कितनी गुनी होती है, 3 गुनी होती है पहले 6 वर्ष में, तो 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 3 × 3 = 3 3 × 3 = 6 3 × 9 = 12 3 × 15, तो ऐसे करके जाना है आपको, तो 3 का टोटल पावर यहाँ पर ही 4 आएगा और 3 का टोटल पावर 4 यानी 81 × 900 कीजिएगा तो 72900 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। आई होप आज मैं सोचा हूँ उसको जल्दी ख़त्म करा देने का। ये एक नेक्स्ट इसका लिखिए, आज लफ्ज़ का लास्ट ये टाइप है, किसी राशि पी पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लिख रखिए, किसी राशि पर पी वर्ष पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी हो, तो फॉर्मूला देख लीजिए, मूलधन d × 100² / r². ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, अभी भी मुझे याद है और मैं भी कभी काल प्रेफर करता हूँ एग्जाम्स में। और यहाँ से यदि आपको डिफरेंस भी निकालने बोले तो याद रखिए, डिफरेंस p × r² / 100,
और यहाँ से रेट भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि रेट 10 निकलेगा, रेट का फॉर्मूला है आर रूट अंडर डी बाई पी इंटू 100। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा जाता है, फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है दिया हुआ है, तो वह मूलधन क्या है। मूलधन आपको लिखना है, मूलधन इक्वल टू अंतर, पहला होगा 6 × 2 = 5 × 100 × 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर आर इंटू आर, देखिए 2500। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया सेम फॉर्मूले पे बस बैठाना है। नेक्स्ट देखिए, 5000 रुपये की वार्षिक राशि है 8% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, क्या बताया था, डी इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, तो पी है 5000, आर है 8%, तो अब आर है 8% और 100 का स्क्वायर नीचे करना है, तो इस पे क्या इससे इजी कुछ हो सकता है, यदि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सिर्फ पुट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में सेम टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या बताया है, इसमें रेट निकालना बताया है। 1600 रुपये की वार्षिक राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 होगा, तो 9 आपको अंतर दे दिया है, आपको रेट निकालना है, तो ऊपर अंतर लिखिए 9, टोटल है 1600 की राशि डिवाइडेड बाई 1600 × 100, तो बस अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, जो कि 7.5% आपका आंसर आ जाएगा। जो ऊपर मैंने इसका 3 फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि अंतर का क्वेश्चन आ जाए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी अंतर पूछ दे तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। कंडीशन एक ही है कि समय 2 वर्ष होना चाहिए, और आपके एग्जाम्स में नेवी एमआर में समय 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, समय 3 वर्ष का भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा उसका ट्रिक, बट ये समय 2 वर्ष का फॉर्मूला है। अंतर से कुछ भी पूछ ले, मूलधन पूछे, डिफरेंस पूछे, दोनों में अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर आपको रेट यानी दर पूछ ले, दोनों का देखिए। तो बस ये आपके लिए आज का क्लास समाप्त होता है, तब तक ले जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। जय हिंद।